नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 5:29 तक रहेगी। आज दोपहर 2:15 तक हर्षण योग रहेगा। साथ ही आज रात 12:23 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। चूंकि प्रदोष की तिथि सूर्यास्त के पहले समाप्त हो जाएगी, उसके बाद अब उदया तिथि तो रवि प्रदोष है, बहुत अच्छा है, लेकिन मास शिवरात्रि व्रत आज किया जाएगा। प्रदोष की तिथि सूर्यास्त के पहले ही समाप्त हो जाएगी। मास शिवरात्रि व्रत आज ही किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 5 फरवरी की सुबह 6:42 से देर रात 3:47 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 12:23 से कल सुबह 6:45 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 फरवरी की सुबह 7:09 से शाम 4:26 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:30 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:30 से दोपहर 12:57 तक, और एक बार फिर दोपहर 2:53 से शाम 5:59 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 फरवरी की दोपहर पहले 11:10 से शाम 4:56 तक, और एक बार फिर शाम 7:16 से देर रात 2:09 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 1 फरवरी की दोपहर पहले 11:16 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:37 से शाम 5:58 तक। मुंबई शाम 5:06 से शाम 6:31 तक। चंडीगढ़ शाम 4:36 से शाम 5:56 तक। लखनऊ शाम 4:25 से 5:47 तक। भोपाल शाम 4:43 से 6:06 तक। कोलकाता शाम 4 बजे से शाम 5:23 तक। अहमदाबाद शाम 5:02 से शाम 6:25 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:42 से शाम 6:09 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।